आप तो इतने सालों से एक्टिंग कर रही हैं, मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिंग सीख रही हूँ, करके दिखाऊं? नहीं, पहले सीख लो। नहीं, इतनी आती है, please please दिखाऊं? इतनी आ रही है तो फिर दिखाओ, लेकिन इमोशन के साथ। मैं आप और आप सबके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें नहीं लगता ये इमोशन से ज्यादा तुम पर्सनल हो गई हो? वॉच मी गर्ल, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मल्होत्रा। मैं जानती हूँ, आज ही मार्केट से लाई हूँ खरीद के 50 रुपए की डिब्बे। मल्होत्रा, यू लिस्निंग टू मी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। क्या बोला? वो लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। तुम्हारे लिए क्यों? वो टैलेंट देखते ही ताली निकल आती है। सर 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 सर, मुझ में भी ना बहुत टैलेंट है। कॉमेडी करने के लिए है लाइन में लोग। मुझे मुझे एक आध फिल्म दे दो ना प्लीज। चलो दिया। ओह माय गॉड, डिड यू हियर दैट? एक्साइटेड मत हो, ये इसमें मेरी सारी फिल्में देख लेना। ऑल द बेस्ट, एक्टर बनने आइए। बहुत गलत फहमी है लोगों को। अमाल हो वैसे भी बेहतर है। मुझे तो फिल्म मिल गई है, लेकिन आप कई फिल्म और फिल्मों के स्टार से मिलने वाले हैं, क्योंकि आज का एपिसोड है बॉलीवुड स्पेशल। वहीदा जी की जान बचाने के लिए दिलीप कुमार को चाहिए लिफ्ट। प्लीज वेलकम दिलीप कुमार हर्ष, वहीदा रहमान टीना और तड़का लगाने आ रहे हैं जिमी एज वेरियस आर्टिस्ट फ्रॉम द फिल्म मशाल। सुधा, सुधा तुम्हें क्या हो गया है? सुधा, लगता है मुझे किडनी का अटैक आ गया। नहीं नहीं, लीवर का अटैक आ गया। नहीं नहीं, पेट का अटैक आ गया। मुझे लगता है सुधा तुम्हें गैस का अटैक आया है। चलो कोई गाड़ी रोको और लिफ्ट मांगो। हाँ, लेकिन अगर हम लिफ्ट लेके चले गए तो तुम्हें अस्पताल कौन ले जाएगा सुधा? ओहो, मुझे अस्पताल तक ले जाने के लिए लिफ्ट मांगो। ए भाई, कोई है? अरे कोई है बाबू साहब, मेरी सुधा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, कोई है भाई? कमाल है भाई, यहाँ इतना सीरियस सीन चल रहा है रोने का और आप हंसते हुए जा रहे हैं बीच में से। सर से लेके पांव तक यूसुफ खान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि या तो तुम सलाम करते हो या सवाल पूछते हो या कुछ मांग रहे होते हो। तुम्हें अपनी एक्टिंग सुधारने की जरूरत है बारखुरदार। और ये है क्या होता है? अपनी एक्टिंग क्लास खत्म हो गई हो तो मेरी मेरी बात भी कर लो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे विजय, ये सुधा बीमार है और उसे अस्पताल ले जाना है, इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो। माफ कीजिए, मैं आज भी फेंकी हुई चीज उठाता नहीं। अरे ये फेंकी हुई चीज नहीं है कमबख्त, ये मेरी बीवी है और उसे अस्पताल ले जाना है और तुम इसे ले चलो। हाँ, चिल्ला मत, रिश्ते में तुम हमारे बाप होते हो, लेकिन शक्ति में ये मशाल का सीन चल रहा है। मालूम तुमको है अग्निपथ बीच में कहां से आ गया भाई? अरे अपनी फिल्मों के हिसाब किताब बाद में कर लेना, मुझे अस्पताल ले चलो। माफ कीजिए देवी जी, मैं आपको अस्पताल नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे कई सारे सामान बेचने हैं। मुझे च्यवनप्राश बेचना है, तेल बेचना है, शूटिंग शर्टिंग बेचने हैं, चॉकलेट बेचना है, आपको नहीं ले जा सकता हूँ। चॉकलेट ले लो, च्यवनप्राश ले लो, सीमेंट ले लो। हाय हाय, सुनिए, इन्हें रोका क्यों नहीं? इसका क्या भरोसा सुधा, ये इतना कुछ बेच रहा है, ये तुम्हें भी बेच देता तो। बकवास मत करो, गाड़ी रोको गाड़ी। ठीक है, हम रोकते हैं, हम रोकते हैं। ए कोई है भाई? कोई है? अरे सुनो भाई, मेरी बीवी को पागलखाने ले जाना है। ऊपर वाले ने हाथ दिया, लगे हाथ फैलाने, मांगने लगे, दे दो दे दो दे दो। ए औरत, तेरी वही कहानी है पुरानी है, कभी पति के सहारे, कभी बाप के सहारे, कभी बेटे के सहारे, कभी पोते के सहारे, खुद की कोई तेरी औकात नहीं है। उठ, अपने लिए मांग कुछ, अपने पैरों में खड़े रहे, पूछ पूछ। क्या क्या पूछ रहा है? पूछ, पूछ, पूछ। पागल खाने का रास्ता किधर है? इधर है, इधर। तो सीधा वहीं जा।
थैंक यू. सुनिए जी, आप नीचे छुप कर क्यों बैठ गए? यही हमारा फंडा है सुधा, कि जब कोई ओवर एक्टिंग करता है तो हम कम एक्टिंग करते हैं. अच्छा. वो बोलता है और हम नजर आते हैं, इसे अंडर प्ले कहते हैं सुधा. देखो प्लीज कोई गाड़ी रोको, वरना वरना तुम्हारी सुधा मर जाएगी. अरे कोई है? कोई है भाई? अरे हाँ, हाँ, हाँ. सुनो भाई, तुम गाड़ी चला रही हो या हाथ गाड़ी? अबे चपड़ गंजों की औलाद, जैसे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे क्या कहते हैं? विश्वनाथ. विश्वनाथ? हाँ थैंक यू, विश्वनाथ कहते हैं. हमें सुधा कहते हैं, इन्हें यूसुफ खान कहते हैं, उन्हें रोहित शेट्टी कहते हैं, और उन्हें उस बेचारी को तो पता भी नहीं लोग क्या क्या नहीं कहते. अरे खड़ी गाड़ी पे कितने गियर बदलते हो भाई? खामोश, प्रॉब्लम है. तो गाड़ी क्यों नहीं बदल लेते? गाड़ी में नहीं, हमारे हाथ में प्रॉब्लम है. पूरे दिन में एक ही गियर डाल पाता हूँ मैं. मुझे तो लगता है भाई तुम्हारी एक्टिंग भी तुम्हारे हाथ ही की तरह पहले गियर के आगे नहीं जाती. ऐसे तो मर जाओगे भाई. मंगल मंगल के दिन पैदा हुआ था, मंगल मंगल के दिन ही मरेगा. बेटा आज मंगलवार ही है. थैंक यू माजी, थैंक यू भाई. हिट हिट हिट. सुधा, सुधा हमसे जुदा हो गई, अब हम क्या करें? अब हम कोई बात नहीं, सुधा हमसे जुदा हो गई है तो हम तो आप पे फिदा हो गए हैं. आप आज शाम को क्या कर रही हैं मोहतरमा? जजेस, क्या आप हेल्प करना चाहेंगे हमारे दिलीप कुमार की? रोहित खामोश. एक एक्ट की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती होती है कि आप वेट करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. I like the act. मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा कि गाड़ी आ रही है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स आ रहे हैं. इट वॉज यूनिक आई थिंक, क्योंकि मिमिक्री तो बहुत लोग करते हैं और मजाक उड़ाना बहुत आसान है, बट द वे आप लोगों ने पिरोया उस चीज़ को, दैट वॉज फैबुलस. थैंक यू सो मच. अर्चना, हर्ष, आप सोप के जाने माने एक्टर हैं, लेकिन आप इतनी अच्छी मिमिक्री भी कर लेते हैं, ये मैंने पहली बार जाना. आई एम श्योर हिंदुस्तान और पूरे जहान के लोग आज जान रहे हैं कि कितना बेहतरीन आपने दिलीप साहब को दर्शाया हमारे सामने. एंड जिमी, वेरी 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 गुड. आज इस एक्ट में तुम्हारा रियल जो टैलेंट है वो बहुत ही उभर कर आया है. मुझे लगा था शुरुआत में कि शायद इस एक्ट में भी एक ही गियर होगा, लेकिन ये गाड़ी धीरे धीरे डीजल इंजन की तरह जो आगे बढ़ी और पूरी पेट्रोल की जेट इंजन बन के जो आगे गई है, फैंटास्टिक. ऑल्सो थैंक यू सो मच. अब आइए जान लेते हैं स्कोर्स. रोहित, आई विल गिव यू अ 9. थैंक यू. अर्चना, परफेक्ट 10. अर्ज किया है, मैं और मेरा बॉलीवुड अक्सर ये बातें किया करते हैं कि हॉलीवुड है तो डीवीडी है, डीवीडी है तो इंस्पिरेशन है. क्यों रोहित? इंस्पिरेशन है तो भट्ट ग्रुप है, और भट्ट ग्रुप है तो न्यूकमर्स हैं. लेकिन अब न्यूकमर एक्टर्स को सिर्फ भट्ट ग्रुप की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्टर अनूप एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाने आए हैं इंडिया और ढूंढ रहे हैं एक नया टैलेंट, और अपना टैलेंट लेकर उनके पास पहुंच गए हैं इंस्पायरिंग एक्टर रहमान एक्ट्रेस श्वेता के साथ. सो गाइस, प्लीज वेलकम देम ऑन स्टेज. I love India. I love India. What a location! Gutters, jhopadpatties, rang birangi. No. Actually, I love gharibs. I love gharibs. मैं एक फिल्म बना रहा हूँ. Plum Dog Millionaire. साहब. Hey, पैर मत पकड़ो, पैर मत पकड़ो. अरे पैर कौन पकड़ा साहब? 5 रुपया गिरा, उठाने दो ऑटो, चलो. अरे बोइल साहब, बोइल साहब. Shut up, shut up. मेरा नाम बोइल नहीं, एंडी बोइल है. हमारे यहाँ तो अंडा बोइल होता है. साहब साहब, मैं भी एक उबलता हुआ, मतलब उभरता हुआ कलाकार हूँ सर. एक सर एक रोल दो ना सर. Hey, you don't touch me, you dirty Indian. क्या साहब,
इसी डर्टी इंडिया को दिखा के तो पहला ऑस्कर जीता था आपने। और साहब अपन तो पैदा ही आपकी वजह से हुआ है। तुम सक्कू भाई के बेटे हो? हैं? ओ भाई साहब, भाई का नाम सुन के इतने शाइनी शाइनी मत होइए। मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप क्या है ना, फुटपाथ पे रहते थे, गरीब थे, बारिश का सीजन था, रोमांटिक मौसम था, उधर रेडियो पे आपका गाना बजा, इधर देखो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, प्लम डॉग मिलियनेयर। मुझे एक प्लम डॉग यानी कि मोटा कुत्ता चाहिए। तब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस है? गरीब आदमी हूँ साहब, दिन भर एक्टिंग करनी पड़ती है, छोटी सी तनख्वाह में खुश रहने की एक्टिंग, चाय पाव खाकर पेट भरने की एक्टिंग, मरी हुई आत्मा और जले हुए ईमान के साथ जिंदा रहने की एक्टिंग। वाह वाह वाह, कैसी लगी एक्टिंग? डन 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 डन, योर फाइनल। पिक्चर का थॉट क्या सर? थॉट बहुत फ्रेश है। एक्चुअली मैं जब सुबह फ्रेश होने गया था तभी मुझे ये थॉट आया था। मेरी फिल्म में एक स्लम है, हाँ, एक डॉग है और मिलियनेयर। या मिलियनेयर है ना मेरा फाइनेंसर, उसके पास पैसा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, समझ गए? समझ गया। फिल्म खत्म होने के बाद उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, इनके पास पैसा रहेगा। अच्छा है साहब, साहब वो शूटिंग शूटिंग का भी खेलेंगे? बस एक अच्छी सी हीरोइन मिल जाए तो शूटिंग शुरू कर देंगे। ये कैसी है? ओह माय गॉड, इसको तो दाढ़ी है। अबे सीधा पकड़ एगड़े। बाल इसके बहुत खर्चा इसमें। अच्छा ये बताओ कि ये अब ये तस्वीर में रहेगी या तकदीर में भी आएगी? सर जिधर बोलो उधर आएगी सर। राधा रानी। हाँ कैसी लगी? एकदम चक्की फ्रेश, एक्सपीरियंस न्यू, कमर। Not bad. ए बैड नहीं है, साइकिल की करियर पे गदेला बांध के लाइयो, बिछा दू। राधा ये घाई साहब नहीं है, है? मतलब मतलब ये साहब घाई में नहीं। आराम से, आराम से। अरे आराम के लिए तो गदेला लाई हूँ, बिछा दू। नो, बाद में। देखा, कोई पहले कोई बाद में, सभी आ जाते औकात में। वैसे आपकी फिल्म की औकात क्या है? क्या फिल्म है आपकी? मेरा फिल्म इंग्लिश में है। फिर तो स्टोरी भी होगी। है ना स्टोरी है ना, कुत्ते लोग के ऊपर है। हाँ इसीलिए तुम लोगों को ले रहा हूँ मैं। What? क्या है ना आप लोग सस्ते भी है, अपना कोई वेलफेयर मिनिस्टर भी नहीं है। मैं इनका मतलब समझ गई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरी बात सुन। हाँ। तू मेरे को बता। हाँ। ये अपना कुत्ता लोग को लेके फिल्म क्यों बना रहा है? इसके देश में कुत्ते नहीं है क्या? क्या है ना कि इसके सारे कुत्ते इराक और अफगानिस्तान में बिजी है। oh. ये ना इन लोगों को टाइम प्लीज बोल गया है। क्या सर? यस ये भी कंफर्म है। सर मेरे को बताओ ना, मेरा हीरो कौन होगा? एक्चुअली तुम्हारे ऑपोजिट हम किसी अच्छे कुत्ते को लेंगे, यू नो लाइक जर्मन शेपर्ड। सब ऐसा ही बोलते हैं, जर्मन लेगा, बाद में हरमन को ले लेते हैं। राधा ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। What? कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? अरे सर मेकिंग में नहीं होगा, टेकिंग में होगा सर। अरे मैं पिक्चर बना रहे, देखो तुम्हारा हीरो बनेगा सुपरस्टार जय कुमार। तू बनेगा सुपरस्टार? अबे मेरे और बच्चन साहब में खाली टाइम का फर्क है। कैसे रे? उनका सही चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। सर चलेगा मेरे को हरमन चलेगा। ओके वेरी गुड एज यू विश राधा रानी, तुम ही बनोगी मेरी फिल्म की लीड हीरोइन। सर लीड रोल तो कुत्ते का है सर, मेरा है। मैं सब्जेक्ट बदल दूंगा। जिसको आप बदल रहे ना सर, उसको सब्जेक्ट नहीं नियत बोलते हैं। देखो तुम्ही, मैं हॉलीवुड की रानी बना दूंगा। ओ, इस रानी की इतनी आदि मत होइए, आपके यश को हानि पहुंचेगी। Shut up. मैंने डिसाइड किया है, मेरी फिल्म का टाइटल होगा प्लम बिच मिलेनियर। अरे सर इस बीच में मेरा रोल? तुम्हारा रनिंग रोल है, तुम भागो। सर ये बताओ हम हॉलीवुड कब जाएंगे? जाएंगे थोड़े दिनों बाद जाएंगे। इस पे भरोसा मत करना, ये लोग पहले भी ऐसा बोल के आए थे, 300 साल तक वापस नहीं गए ये लोग। तो रोहित आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली इनसे? मैं अनूप से इंस्पायर्ड होऊंगा। क्या हो गया आपको?
रहमान, यू आर टू गुड. थैंक यू सर. गरीबी की जो एक भूख होती है ना, वो नजर आ रही थी. थैंक यू सर. ऑनर्ड सर. श्वेता, वो कमर कैसा टांग कर गया वहां पे गई. पहले वहां टांग, फिर उधर टांग. वाओ. इवन यू आर इन द कैरेक्टर अनूप बदतमीज. तुम लोगों को खाली गटर दिखते हैं हमारे यहाँ. टाउन नहीं नजर आता है, ताजमहल नहीं नजर आता है. बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे तुम पे. दैट मीन्स यू परफॉर्म्ड रियली वेल. ओवरऑल द एक्ट वाज नाइस. एंड में मुझे लगा कि एक एच पर लाके एक हाई पॉइंट आया था, वहां पे छोड़ देना चाहिए था. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. अदरवाइज इट ओवरऑल द एक्ट वाज वेरी नाइस. कॉमेडी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हंसाए, वो आपके अगर दिल को छूती है तो और भी स्ट्रांग हो जाती है कॉमेडी. टुनाइट इज योर नाइट. This is an A plus, A for Archana, and A plus goes to you, a 10. I'll give you a 9. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. सुना? जोश जोश में बोल तो दिया, लेकिन जब पत्नी को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाए तो आटे दाल का भाव पता चल गया. और 2.5 फुट के बेटे ने कर दिया हैरान, मचा दिया है गदर. प्लीज वेलकम जसवंत, स्मिता एंड सलोनी ऑन स्टेज. सकीना, तुम्हारा तारा तुम्हें बुला रहा है. कहाँ हो तुम? सकीना! कौन है बे? जो कॉमेडी सर्कस में चिल्लम चिल्ली कर रहा है. ओह माय गॉड, तारा सिंह, तुम यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? मैडम जी, मैं आजकल हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर रहा तो पाकिस्तान में क्या करूँगा? मैं आपको ले जाने आया हूँ हिंदुस्तान. नहीं, बहुत देर हो चुकी है तारा सिंह, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती. मैडम जी, ये क्या कह रही हैं आप? अब मेरे साथ क्या आजकल किसी के साथ नहीं चल रही हो? सकीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए. ये कौन है? Let me introduce myself. मैं जीता. कौन सा शो तुमने जीता है छोटे मियाँ? अरे मेरा नाम है जीता. मैडम जी, ये हमारा पुत्र है जीता, और उर्फ तारा सिंह जूनियर. शक्ल से तो तारा सिंह जूनियर लगता है. वही बहुत अच्छे. मैडम जी, कुछ भी हो, स्टॉक में सिर्फ यही है. जीते, ये तेरी अम्मी है. श्योर? क्या माँ के स्टॉक में बस यही थी? देखा मैडम जी, हमारा जीता कितना होशियार हो गया है. मेरे लिए ना से ही अपने पुत्र के लिए चलो हिंदुस्तान. हाँ माँ, चलो ना. अगर तुम चलोगी तो पड़ोसियों का भी दिल लगा रहेगा. चुप हट. यही सिखाया तुमने इसे? क्या क्या बोल रहा है ये? मैडम जी, मैं क्या सिखाऊंगा इसे, इसकी खुद की क्रिएटिविटी है. आप चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान. मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे. मैडम जी, आपको मुझे यहाँ से ले जाने से कोई ताकत कोई सारा नहीं रोक सकती. और अगर किसी ने रोका, वाहेगुरु जी दी सो गार्डन उखाड़ दूंगा. गार्डन? हाँ, स्क्रिप्ट में यही लिखा था. गार्डन नहीं, गर्दन लिखा था. ओके, तो गर्दन उखाड़ दूंगा. कभी गर्दन उखाड़ते हो, कभी हैंड पंप उखाड़ते हो, किसी फिल्म में कुछ क्यों नहीं उखाड़ लेते? अब चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान. नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. यहाँ मेरे पास बंगला है, गाड़ी है. तुम्हारे पास क्या है? मान लो कि आज मेरे पास कुछ नहीं है. मान लो? अरे मान लिया मेरे पास कुछ नहीं है. लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. वहाँ पर मार्केट में मेरा लाखों रुपया फंसा हुआ है. मार्केट में? हाँ, पापा ने कई सारे लोगों पे केस किया है, क्योंकि कई सारे लोग पापा की एक्टिंग जो करते हैं ना. ओए, हम यहाँ बताई माँ को पटाने आए हैं, और तो अपनी माँ को भी नहीं पटा सकता. मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो किसी की भी माँ को पटाता फिरूं. तारा सिंह, तुम भी यहीं रुक जाओ ना. क्या फायदा मैडम जी, पैसा कमाने के लिए तो हिंदुस्तान ही जाना पड़ेगा ना. अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पैसा कमा रही हूँ ना, मैं शादी कर रही हूँ. रिपीट टेलीकास्ट? तू शादी कर रही है? भड़कते क्यों? क्यों नहीं भड़केंगे? अपने पापा को शादी का कार्ड क्यों नहीं भेजा? अब कोई फायदा नहीं, मेरा निकाह होने वाला है शाहिद से. शाहिद से? यानी करीना से डायरेक्ट सकीना? अरे शाहिद कपूर से नहीं, शाहिद अफरीदी से. कर लो माँ, बहुत हैंडसम लगता है. मुझे भी,
तारा सिंह, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी बेबी। अरे नहीं करोगी, मैं पहले करता था, लेकिन पापा की तो एक्टिंग कोई भी टिंगू पिंगू कर सकता है। और बलवंत राय के कुत्ते देखा, मैंने भी सीख लिया। मैडम जी, आप किसी से भी शादी कीजिए, लेकिन जीता मेरे साथ रहेगा। क्यों जीते? इसका फैसला तो ये जज करेंगे कि मैं किसके साथ रहूं। ओए, दे दो नंबर। तो जजेस, इनके फैमिली मैटर्स के लिए आप क्या कह सकते हैं? द सीन वॉज स्टोलन बाय दिस लिटिल लड्डू। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किए सलोनी अपने पंचेज। आपने जो लिटिल जीता क्या जीता किया है, बहुत अच्छा किया है। एंड यू आर सो अडोरेबल, आई रियली वांट टू टेक यू होम। थोड़ा मुझे लगा कहीं कहीं लाउड जा रहा था, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, बट ओवरऑल एक्ट, इट वाज अ नाइस एक्ट। सलोनी, द क्रेडिट गोज टू यू, आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला पूरे चीज को। जसवंत, यू आर ब्रिलियंट एज सनी पाजी। आ रहे हो मिलने। आइए जान लेते हैं स्कोर्स। रोहित, दिस इज ओनली 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 फॉर सलोनी, 8। अर्चना, एक एक्स्ट्रा मार्क है सिर्फ ये छुटकू के लिए। लड्डू, दिस इज फॉर यू, कीप इट अप। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सरकार। सरकार सिर्फ वही समझते हैं जो उन्हें सही लगता है, वो चाहे जोधा के खिलाफ हो या फिर अकबर के। लेकिन माँ बदौलत हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी अज्ञात भूत के नापाक कदम नहीं पड़ने देंगे। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ। फारा, आशुतोष और राम गोपाल वर्मा की तूतू मैं में से, जी हाँ, ये तीनों आ गए हैं यहाँ। और उनकी बातों को देखकर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ओम शांति ओम। प्लीज वेलकम भारती एस फारा, शरद रामू और परेश एस आशुतोष। अगर पिक्चर ही देखते हो, कम से कम मुझे ही देख लो, जितने बाल थे वो भी उड़ गए। गोविंदा 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 व्हाट्सएप राशि फ्री में, 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 व्हाट्सएप राशि फ्री में। अरे आशु, अरे रामू, तू? अरे यार, तू अपनी फिल्म की टिकट ब्लैक कर रहा है? अरे काय की ब्लैक कर रहा हूँ यार, ऐसी पिक्चर बनी है कि पूरा मुंह ब्लैक हो गया है। अपनी करियर में एक यू नो फ्लॉप फिल्म होना जरूरी है। रोहित क्या बोल रहे? अरे रोहित को क्या पूछ रहा है यार, मुझसे पूछ, लुक एट मी यार। अरे यार तू फिकर मत कर, मुझे सिर्फ एक बात बता, तूने यार ये व्हाट्सएप राशि में ऋतिक को क्यों कास्ट किया? अरे वो ऋतिक रोशन नहीं है, वो हरमन था। अरे वही तो बेवजह था। वो अज्ञातवासी, यहाँ आग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे यार आग तो कहीं पे भी लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है यार। हाय फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ फरहा खान और आपका स्वागत है मेरे शो टेढ़े मेढ़े बीच में। वेलकम वेलकम वेलकम। तुम्हारा है फरा, हम तो कब के आ चुके हैं। ओहो चुप करो बेटा। ये क्या है? 3 का तड़का। नहीं, जो मैंने सुपर हिट फिल्म बनाई थी ना, ओम शांति ओम, ये वही है, ओम शांति ओम। अच्छा, इसने अली बाबा 40 चोर नहीं बनाई। शट अप स्पोर्ट दादा, स्पोर्ट दादा, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन वाले भी ना। रामू, यस, तुम्हें नहीं, मैंने अपने बॉय को आवाज दी। अरे रामू, हाँ? तुम अभी भी आग की बात कर रहे हो। अरे तुम्हें हिट फिल्म चाहिए ना, तो मैं हूँ ना। और ये आशु की फिल्म देखी है? हा? तुमने देखी? मेरा दिमाग खराब नहीं है, इसकी फिल्म में डायलॉग्स कम और गाने ज्यादा होते हैं। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और तुम भी चुप रहो। जिनकी खुद की फिल्म में गाने नहीं होते, वो दूसरों की फिल्म की बजाया नहीं करते। वड़े की एरी के लिए। अरे पैर एरी टिकट है। बहुत ही घटिया मिमिक्री की है तुम। अच्छा, तेरी बजाऊं फिर? माइंड इट। एक मिनट ना। और रामू काका, वैसे ये कर क्या रहे हैं? मैं कैमरा एंगल सेट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, जानती हूँ तुम्हारे कंफ्यूज कैमरा एंगल। जनता भी कंफ्यूज रहती है कि डरना मना है कि डरना जरूरी है। परा परा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थैंक्स आशु। क्यों? अगर पब्लिक थिएटर जाएगी तो कंफ्यूज होगी ना।
वैसे आशु मुझे एक हिट फिल्म बनाने के लिए ना तुम्हारी तरह 10-12 फिल्में नहीं बनानी पड़ती। सिर्फ 5-6 फिल्में बनाई है। अरे बाबा तुम्हारी एक फिल्म 2-2 फिल्मों के बराबर होती है। कि वो तो लोगों को धोखा देने के लिए इंटरवल एक रखता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। फरा, तुम्हारी फिल्म में होता क्या है? तुम और तुम्हारा बदतमीज भाई? नहीं आशु, करण अर्जुन और शाहरुख भी होते हैं। अगर उनके साथ काम किया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। अरे पहले वो तो एक दूसरे को छोड़े तब हम जाके पकड़े ना। आशु अगर तुम्हें इतनी ही इंटेलिजेंट फिल्में बनानी है तो यार तुम हॉलीवुड क्यों नहीं चले जाते? अरे चला जाता यार, बट इट्स लाइक अपनी चौखट का दिया एंड गिविंग लाइट्स टू नेबर्स हाउस। वाह वाह वाह, व्हाट डायलॉग आशु, व्हाट डायलॉग्स। लेकिन ये फरा के किस तरह के फालतू डायलॉग्स होते हैं? एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू। लेकिन रामू अपनी सरकार देखी है? कितना घटिया डायलॉग था। पुष्पा जरा आचार देना। सरकार के बारे में कुछ मत बोलना, सरकार के बारे में कुछ मत बोलना। मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। अगर यही है ना तो प्लीज रामू सिर्फ अपने लिए फिल्में बनाया करो और खुद ही देखा करो, रिलीज मत किया करो। यार मैं तो एक्टर की टैलेंट दिखाने के लिए फिल्म रिलीज करता हूँ। एक्टर का टैलेंट? मैं तो पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता हूँ। लेकिन हरमन से नहीं। हरमन से एक बंदा एक्टिंग करवा सकता है। कौन? कौन? अरे रोहित शेट्टी। कैसे? कैसे? अरे भाई अगर फरदीन खान से एक्टिंग करवा सकता है तो किसी से भी करवा सकता है। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ बाहर निकल के क्या करूंगा। कौन सबसे पहले मेरे घर पे आने वाला है, मैं वही सोच रहा था कि कल सुबह किसकी घंटी बजने वाली है घर पे। और आप लोग मेरी बिरादरी की बजा रहे थे मेरे ही सामने और मैं कुछ नहीं कर सका। भारती, मैं ये समझता हूँ कि आपने संभाला ओवरऑल एक्ट को, क्योंकि आपके पास 2 हिट फिल्में थी तो यू हैड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एक्ट। अर्चना बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेज थी। This time I would especially like to mention Bharti, yeah. You were tremendous. Yeah. Asli wazan aap hi ka tha is act mein. It's a well written, well crafted item. I like the writing of this act and Sharad, you were also very good, but Paresh, you were also outstanding in this act. Thank you. Archana, scores please. My marks for you are going to be surprise 10. रोहित, थोड़ी मेरी बिरादरी की बैंड बजाई है तुम लोगों ने। बट देन आल्सो आई विल गिव यू एन 8। थैंक यू। लगान के क्रिकेटर भुवन के लिए 2 कन्याओं में हो गई है मारामारी। एक है गांव की छोरी पारुल और दूसरी है शहर की गोरी जेनिफर। प्लीज वेलकम पारुल, जेनिफर एंड भगवान। वो अपना भुवन है ना, बहुत बड़ा क्रिकेटर बना फिर रहा है, बस एक बार मिल जाने तो। ये हॉकी गरीबों का खेल है। हॉकी पर बनी फिल्म चकदे ने करोड़ों कमाए थे। हाँ, लेकिन शाहरुख ने वही पैसे क्रिकेट की टीम खरीदने में लगाए थे। फिर बन गया ना दोबारा गरीब। हाँ। तू आजकल ना पैसे कहाँ से कमा रहा है ना, मुझे पता है। इडियट, 2 बार इडियट और बोल दे मेरी फिल्म की प्रमोशन हो जाएगी 3 इडियट। कम ऑन यार, कम ऑन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आईपीएल की तैयारी नहीं करनी? ये तो डीपीएल में भी भेजने के लायक नहीं है। तेरा दिमाग में इस गोरी ने खराब करके रखा हुआ है। इसका दिमाग तो पहले से ही खराब है जो तुम्हारी जैसी काली कलर की लड़की के साथ चक्कर चलाया। पहले मैं कभी गोरी हुआ करती थी, लेकिन भुवन के साथ अफेयर के बाद धूप में बैठ बैठ के अब मैं पूरी तरीके से काली हो चुकी हूँ। अरे ओ टैली शॉपिंग, ये बंद कर अपना नेटवर्क और यहाँ से फूट। मैंने इससे क्रिकेट के टिप्स लेने हैं। सब पता है कैसे टिप्स देती है, इसके टिप्स के निशान ना तेरे लिप पे छूट जाते हैं। झूठी, मैं छूटने वाली लिपस्टिक नहीं लगाती। डार्लिंग छोड़ो इसको, हमने प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ। वर्ल्ड कप भी तो जीतना है ना। पिछले वर्ल्ड कप में कैसी बेइज्जती करवा के आए थे याद है ना? अरे नहीं, इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई थी,
हमें तो बांग्लादेश ने पीटा, पाकिस्तान में कहां दम था। हम वो मैच हारे जिसमें रश कम था। वहां तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पे हर बार हर एपिसोड में बार बार हमारी बेइज्जती होती है पूरी पब्लिक के सामने। अरे यार इसमें मेरा क्या कसूर है, टाइमिंग ही सेट नहीं बैठ रही है। पहले एपिसोड में सबसे पहले भेज दिए तब तक जजों ने नंबर देने शुरू नहीं किए थे, और दूसरे एपिसोड में सबसे एंड में भेज दिए तब तक सभी नंबर बांट दिए थे। अब मैं क्या करूँ यार। अच्छा है, अच्छा है। मुबारक मुबारक मुबारक, हमारे एक्टर भी हंसे हैं। देखा, इसीलिए अंग्रेजों से दोस्ती की है, ये समझते काम है, अंडरस्टैंड ज्यादा करते हैं। याद रख, इनसे पहले भी हमने दोस्ती की थी, दोस्तों से कब मालिक बन बैठे पता ही नहीं चला। अरे पर जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है। कौन सा चारा है? वो माउंटेन वाले सेंस को हमें इम्प्रेस करना पड़ेगा भुवन डार्लिंग। ओ पहाड़ों वाली माता को कह रही है ये। वो देखना, वो दो बैठे हैं, वो देखो, वो देवता गजनी, उसके बाजू में बैठी है कि जजनी। जजेस, आप इनकी तू तू मैं में थोड़ी हस्तक्षेप करना चाहेंगे? अर्चना, ओके रोहित, इसको बोलते हैं टाइमिंग। थैंक गॉड। और अपना मजाक उड़ा के लोगों को हंसाना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये एक्ट जो हुआ है, आइस ब्रेक होता है ना, वो अब जाके हुआ दो एपिसोड बाद आप लोगों में। आप ये पहले कर देते तो आप कहां के कहां आके कहां पहुंच जाते। पता है, मतलब सब ईगो एक तरफ, मैं पारुल हूं, मैं जेनिफर हूं, मैं भगवान हूं, 200 साल से स्टैंड अप कर रहा हूं, ये सब छोड़ के जो आप लोग ने अभी इनैक्ट किया ना, दैट हैज वर्क। थैंक यू। इट वाज द फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर आकर और कंप्लीटली कॉन्टेस्टेंट्स बन के जो आपने वो जो भजन गाया हम दोनों के लिए, इट वॉज सो क्यूट, आउट ऑफ द बॉक्स। तो आइए जजेस से आपके स्कोर्स भी पूछ लेते हैं। अर्चना 9, रोहित पहली बार 6 को उल्टा देखा है। After 2 episodes, welcome to the show. Thank you. बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? Well, I think publicity. और हमने तो पब्लिसिटी का पूरा इंतजाम कर दिया है, और हमारे हीरो हीरोइन का ना हमने ब्रेकअप करवा दिया है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद फिल्म हिट हो जाती है, और हमने फिल्म का नाम रखा है जब वी सेपरेट, स्टारिंग शाहिद और करीना, जो शादी की परमिशन लेने आ गए हैं दारा सिंह के पास। प्लीज वेलकम संजय शाहिद, करीना भैरवी और दारा सिंह राजा। कमीने, में फंबल करते करते अंधे भी हो गए हो क्या? अंधा होता तो तुमसे टकरा था। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है, इसलिए मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे भटीरा छोड़ोगे। ये छोड़ने वाला पहाड़ा छोड़ो, साल भर तुम ही छोड़ती रहती है लोगों को, गिनवाऊं किसको छोड़ा है? छोड़ो ना। देखा, छोड़ दिया ना मुझे? नहीं नहीं, तुम तो बहुत ही रोमांटिक हो और पावरफुल भी हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। हाय 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 हाय। अरे शर्माओगे तो शाहरुख कैसे बनोगे, डरो ना। क्यों डरे भाई? क्योंकि मैं अब अपने दारजी को बुलाने वाली हूँ। बाप, ये दारजी कौन है? अरे सब डरते हैं उनसे। दारजी, एक मिनट रुको। क्या हुआ? कॉन्फिडेंस वाला ये खा लेना थोड़ा सा, बताना मत दारजी को, समझ गए कि नहीं? दारजी जल्दी आइए। आया मेरी बच्ची, आया भाई, बारी बरसी खरन गया सी, खट के ले आंदा क्यों भाई, बच्चो तालियां मारो, आ गया इसका प्यो। अरे भाई इतना प्यार, ओहो भाई क्या कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ भाई, जीते रहो, जूसो नहाओ फूलो फलो। ना ना ना, दूधो नहाओ फूलो फलो होता है भाई, आजकल दूध खराब आ रहा है भाई। बैठो। कौन, हम? हाँ तुम। वैसे तुम हो कौन? वह जब भी मैच चल रहा है ना, हाँ, तो हम उसके हीरो हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर हो तो फिर कंफर्म क्या हो? अरे शाहिद कपूर नहीं है, शाहिद कपूर। अच्छा भाई, करीना से पहली बार कहाँ मिले? ट्रेन में मिले थे।
ट्रेनिंग पूरी नहीं थी ना तो सब भिड़ भिड़ गए, वाटर बोतल भी गिर गया। दार्जी अब पूरी कहानी क्यों पूछ रहे हैं? शादी के लिए हाँ बोल दीजिए ना। उत्तर स्क्रिप्ट में तेरी लाइनें कम हैं, मुझे बोलने दे। करता क्या है बच्चे? कौन हम? हाँ तुम। काम पूछ रहे हैं? आहो नहीं पूछ रहे, ऑल द बेस्ट देखी? ना ना ऐसी फिल्म हम नहीं देखते। दार्जी पूछ रहे काम क्या करते हो तुसी? दुकान है भाई। दो कान तो हमारे हैं बच्चे। अरे यार तेरे दार्जी नहीं होते, कान भी नहीं चेंज के देता मैं। दुकान शॉप बिजनेस। ओहो हो, किसकी? मौका ही नहीं मिला स्टेशन से यहाँ आके किस कैसे करेंगे। अरे दार्जी पूछ रहे हैं किसकी दुकान है? नाना की दुकान है। हाँ अच्छा? लेकिन चलाते तो तुम ही होंगे ना? नहीं नहीं पापा। भाई दुकान तो पापा चलाते हैं, तुम क्या चलाते हो भाई? हम पापा को चलाते हैं। मतलब? मतलब हम गल्ले पे बैठते हैं अंकल जी। अच्छा हाँ, तो कितना कमा लेते हो? 200 में से 10-20 रुपए खींच लेते हैं किसी तरह। पढ़े लिखे कितने हो बच्चे? कौन हम? नहीं तेरा पे हो। हमारे दादी जी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, घड़ी घड़ी हमारे पापा को याद करते रहते हैं। कौन हम? नहीं हम पढ़े लिखे बहुत है। अच्छा? तेरा स्कूल बढ़ रहे तब जाके 12वीं पास किए। 13वीं नहीं की बच्चे? 13वीं कर लेंगे, आप ऊपर चलिए हम लोग नीचे 13वीं कर लेंगे। चुप कर। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल स्तंभर के स्पेलिंग सुना। कौन हम? अगर इसने एक बार हम कौन बोला तो हम इसकी हड्डियां तोड़ के कुकड़ों के आगे डाल देंगे। आहो दादाजी भड़क गए हैं। कौन हम मत बोलो ना बार बार। कौन हम? जल्दी सुनाओ सितंबर की स्पेलिंग। सितंबर ना? हाँ जो महीना होता है ना। आहो भाई आहो। अगस्त के बाद आता है वही ना? हाँ जी भाई। अपना सितंबर ना? हाँ हिंदी में चलेगा। अरे सितंबर की स्पेलिंग बोल दो, हमारी शादी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं 9 महीने बाद जून आएगा, तब तक हमारा बच्चा भी हो जाता है, जून की बताता हूँ। दार्जी को इंग्लिश कहाँ आती है, कुछ भी बोल दो। अच्छा कांग्रेचुलेशन, आपको इंग्लिश भी नहीं आती? हाँ हो आहो 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 आहो। तब तो आप हमसे सुनिए आप सितंबर की स्पेलिंग। बहुत बड़े शायर ने कहा है। क्या कहा है बच्चे? सेट। हाँ जी। और वाह विवाह डे। ओहो सैटरडे मतलब सितंबर। वाह बेटी इनका मुंह मीठा करा। अरे आप सो जाइए, हम दोनों बैठ के मुंह ही तो मीठा करेंगे। क्यों? एक्सरसाइज करते हो बच्चे? अरे एक्सरसाइज को आपसे फुर्सत मिले तब तो कभी हम लोग के घर भी आए। ये बता करीना को शादी के बाद कहाँ रखेगा? कौन हम? हाँ तुम। दार्जी पूछ रहे शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? देखो हम लोग तो यहीं रह लेंगे, दार्जी से पूछो शादी के बाद ये कहाँ रहेंगे। कौन हम? आहो जी। ओहो तो जजेस क्या आपको इनकी शादी मंजूर है? अर्चना ऑल थ्री ऑफ यू आर वेरी डायनामिक ट्रायो, सो आई लाइक द एक्ट वेरी मच। थैंक यू। रोहित पायरेटेड शादी, शाहिद कपूर पायरेसी का भी पायरेसी लग रहा है। द एक्ट वॉज नाइस। संजय जी अच्छा था यार। और दार्जी इवन यू आर वेरी नाइस। थैंक यू। ये उदास क्यों तारीफ कर रहा हूँ? एक्चुअली एक्सप्रेशन पता नहीं चल रहा है कि खाली आके है ना। हंस रहा हूँ अंदर से, बहुत खुश हूँ। ओके अंदर से ऐसी आ रही। भैरवी इवन योर एनर्जी वाज मेंटेन्ड, हालांकि कम था आपका बट निभाया आपने इनके साथ। आई लाइक योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आइए अब मार्क्स भी जान लेते हैं। अर्चना 8। थैंक यू। रोहित 8 अगेन। थैंक यू। ड्रामा हो गया, एक्शन हो गया, रोमांस भी हो गया और अब क्लाइमैक्स यानी कि एलिमिनेशन। जजेस एंड ऑडियंस मार्क्स मिलाकर चुनी जाएगी दो बॉटम टीम और उनमें से कोई एक तिकड़ी हो जाएगी एलिमिनेट। तो कौन है वो दो बॉटम टीम? और आज की हमारी पहली बॉटम तिकड़ी है पारुल, जेनिफर एंड भगवान। और हमारी दूसरी बॉटम तिकड़ी है संजय, भैरवी एंड राजा। आप दोनों में से कोई एक तिकड़ी आज हमारा साथ छोड़कर चली जाएगी, लेकिन आप दोनों के पास अब भी एक रास्ता है खुद को बचाए रखने का। आप दोनों को करना है एक इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, चाहे अकेले, चाहे दो साथी मिलकर,
चाहे पूरी तिकड़ी परफॉर्म करे, ये आपके ऊपर है। जजेस और ऑडियंस को लगा जिसका परफॉर्मेंस बेटर वो तिकड़ी रुकेगी और दूसरी तिकड़ी को छोड़कर जाना होगा हमारा साथ। तो संजय, भैरवी, राजा, आप तीनों में से कौन आ रहा है यहाँ परफॉर्म करने? मैं आ रहा हूँ। प्लीज। थैंक यू। जब सन्नी छोटा था उसकी वॉइस कैसी थी? चड्डा। कुछ मिट्टी की तारे ऐसी होती है जिनमें से बच्चे चड्डियां लटकाते हैं। सनी बढ़ गया 25 साल का सनी। चड्डा। कुछ बिजली की तारे ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे पता क्या छुड़ा के लेके आ जाते हैं। सनी बड़ा हो गया कुछ 35-40 साल का। चड्डा। और कुछ बिजली की तारे ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चों की पतंगें छुड़ाई जाती हैं। और आने वाले समय मेरे ख्याल से उनकी वॉइस कैसी हो जाएगी मैं ये सोच रहा हूँ। चड्डो। और कुछ बिजली की तारे ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे पतंगें छुड़ा के लेके आ जाते हैं। धर्मिंदर जी ने जब अपनी जवानी की आवाज आपके सामने पेश करता हूँ, जवानी की आवाज उनकी कैसी थी? रानी साहब का दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बल खून और लाश के बल लाश मिलेगी ठाकुर साहब। धर्मेंद्र जी और बुजुर्ग हो गए, उनकी आवाज चेंज हो गई, स्केल डाउन हो गया। ये डायलॉग रानी साहब का दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बल खून और लाश के बल लाश मिलेगी ठाकुर साहब। और मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में इनकी आवाज कैसी हो जाएगी? थैंक यू वेरी मच राजा, प्लीज बी सीटेड। पारुल, भगवंत और जेनिफर, आप तीनों में से यहाँ परफॉर्म करने कौन आ रहा है? हमारी राजनीति जो है ना वो थोड़ा ड्रैग करती है, उसके लिए मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ कि हमारे देश में राजनीति के नाम पर हर रोज कोई ना कोई हंगामा होता है। पार्लियामेंट में हर रोज किसी ना किसी मुद्दे पर एक नया ड्रामा होता है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में करते हैं शेद। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से बस एक ही बात पूछते रहते हैं, मैडम कल पगड़ी कौन सी पहनूं, नीली या सफेद? एक दिन मनमोहन सिंह सोनिया के घर गए। सोनिया ने पूछा, हम यूपी में क्यों हार गए? हालांकि राहुल ने बहुत हार्ड वर्क किया, फिर यूपी में कांग्रेस का बेड़ा किसने गर्क किया? ये मायावती कैसे छा गई, अकेले ही अपनी सरकार बना गई? आखिर यूपी की जनता मायावती की क्यों साथी है? मनमोहन सिंह बोले, मैडम बात इतनी है, हमारे पास हाथ है, उसके पास हाथी है। एक तो हाथी ताकतवर था, ऊपर से हमारी पार्टी में भी थे मतभेद। बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कल पगड़ी कौन सी पहनूं, नीली या सफेद? हमारी दोनों तिकड़ियों की टीम से परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जजेस स्कोर और ऑडियंस की मार्किंग ने किसे बचाया है। पर यह अनाउंस करने से पहले मैं दोनों टीम्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। दोनों टीम्स ने अपना अपना ब्रह्मास्त्र चला लिया है, देखते हैं किसका ब्रह्मास्त्र सामने वाले को खत्म कर पाया। भगवंत जी को मिले हैं अर्चना की तरफ से 6 पॉइंट्स और रोहित की तरफ से भी 6 पॉइंट्स और स्टूडियो ऑडियंस ने उन्हें दिए हैं 7 पॉइंट्स, यानी कि आपका टोटल है 19 पॉइंट्स। राजा, आपको अर्चना जी ने दिए हैं 8 पॉइंट्स और रोहित जी ने दिए हैं 8 पॉइंट्स, लेकिन स्टूडियो ऑडियंस ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट्स, यानी कि आपका टोटल है 25। कंग्रेचुलेशंस भैरवी, राजा, संजय, आप लोग सेफ हैं, प्लीज जॉइन द सेफ जोड़ीज। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जेनिफर, पारुल और भगवंत जी हमसे विदा लेंगे। आप लोग जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? जब मुझे इस शो के शुरू होने से पहले बताया गया था कि मेरे साथ एक विदाई वाली है, तो मुझे पहले शक हुआ था कि जल्दी विदाई करवा दे गई है, तो आज ही आपने वेलकम कहा था और आज ही हमारी बाय बाय होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम बैक राउंड में हम अच्छे तरीके से यहाँ पे वापस आए। थैंक यू जी। तू तो विदाई वाली है, तू तो रोले आज।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन इतना पता है मुझे दो एपिसोड में कुछ ना मिलने के बाद जब थर्ड एपिसोड में इतने अच्छे अच्छे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके कि चलो कुछ तो करके जा रहे हैं, यहाँ से लोगों को बोल सकेंगे चलो कुछ तो हंसाया, जजेस खुश तो हुए हम लोगों से, तो इतना नहीं लग रहा है कि ठीक है, इट्स ओके. एट द सेम टाइम हमें इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, इनसे सीखने का मौका मिला, और इनसे सीख कर जाएंगे और वापस आएंगे तब इनकी बैंड बजा देंगे. और अब बारी है कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट्स देखने की. तू बनेगा सुपरस्टार. अबे मेरे और बच्चन साहब में खाली टाइम का फर्क है. कैसे रे? उनका सही चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है. हम यहाँ बताई माँ को पटाने आए हैं, और तो अपनी माँ को अभी नहीं पटा सकता. मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो किसी की भी माँ को पटाता फिरूं. अगले हफ्ते आपका हंसी का डोज हो जाएगा दुगना, तो अभी से अपने अपने पेट और जबड़ों का इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि हंस हंस कर दोनों बहुत दुखने वाले हैं. कहाँ? ऑफ कोर्स यहाँ, ओनली ऑन कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.